नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड। स्वागत करता हूं आपका बर्मा टेक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन मिलता है उसका दोस्तों पेमेंट का हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों पिछला वीडियो में हम आप लोग को स्टेटस चेक करना बताए थे कि किस प्रकार से आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो अप्लीकेशन दिए थे वो आगे बढ़ा कि नहीं, कहाँ तक बढ़ा है। तो उस वीडियो में दोस्तों हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि पूरा पेमेंट का हिस्ट्री, अगर आप लोग का मतलब पैसा आना चालू हो गया है तो कौन कौन सा मंथ का पैसा आया है, ये सब दोस्तों जानकारी किस प्रकार से आप लोगों को निकालना है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का अपडेट आप लोगों को आगे भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे आप लोगों को नया टैब खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ई लाभार्थी लिख के दोस्तों यहाँ पे सर्च कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे ई लाभार्थी लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ये वाला लिंक पर क्लिक करना है आप लोगों को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को पेमेंट चेक करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन एक देख सकते हैं, पेमेंट रिपोर्ट का ऑप्शन होगा। तो इस पे दोस्तों जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे 2-3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला दोस्तों चेक बेनिफिशियरी स्टेटस है, इसमें अगर आप लोग क्लिक करके डाटा डालते हैं तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ बताएगा कि आपका पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस लिस्ट है। तो चलिए दोस्तों हम पहले आप लोग को पूरा हिस्ट्री निकालना सिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को हिस्ट्री निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकेंड वाला लिस्ट है उसमें पता लगेगा कि अभी तक ले आपको जितना पैसा आया सब बताएगा कि इस महीना का भी पैसा आया कि नहीं, ये सब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है चेक बेनिफिशियरी पेमेंट हिस्ट्री आफ्टर मई 2020, तो ये वाला लिंक पे दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जोन से भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते होंगे वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का ब्लॉक का नाम पूछा जाएगा, वो भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 2-3 ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग अकाउंट नंबर से जानना चाहते हैं या बेनिफिशियरी आईडी से। तो आप जोन सा भी आईडी होगा, अगर बेनिफिशियरी आईडी है तो ठीक, नहीं तो अकाउंट नंबर से भी दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूरा हिस्ट्री खुल के यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हर एक मंथ का दोस्तों दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लाभार्थी संख्या है, पंचायत का नाम है, योजना का नाम है, फिर इधर लाभार्थी का नाम है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर किस माह से किस माह तक यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये बता रहा है कि कौन सा महीना से स्टार्ट हुआ, कौन सा महीना का मिला है। देख सकते हैं ये जून का पेमेंट है, सब यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये देखिए ये जो रकम लिखा हुआ है बता रहा है कि कितना पैसा आया है। और इधर दोस्तों भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं, सक्सेस बता रहा है। देख सकते हैं यही ही हर एक महीना का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि 2 महीना का लगातार दे देता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिखाया जाएगा कि कौन महीना से कौन महीना तक का पेमेंट आया है। इसी प्रकार से दोस्तों फिलहाल तो ये जितना पेमेंट दिखा रहा है वो सब दोस्तों एक ही मंथ का दिखा रहा है, सब मतलब एक एक मंथ का सब देख सकते हैं, जुलाई का है, जून का है, मई का है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो सितंबर अभी जो चल रहा है सितंबर महीना उसका भी दोस्तों पेमेंट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस दिखा रहा है। ये दोस्तों 2-3 दिन में अपने आप सक्सेस हो जाता है, लेकिन दोस्तों आप लोग का पेमेंट अकाउंट में आ गया होगा अगर यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों 1-2 दिन बाद चढ़ाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ से ही आप अपना पेमेंट का हिस्ट्री अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से सब डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे चेक बेनिफिशियरी पेमेंट हिस्ट्री, तो इस पे दोस्तों क्लिक करके आप लोग अपना डाटा डालिएगा तो इसमें दोस्तों आप लोग का पूरा डिटेल बता देगा कि अभी तक आप लोग को कितना पैसा आया है, मतलब कि कब से आप लोग का स्टार्ट हुआ है और अभी तक कितना पैसा आया है। इसमें दोस्तों आप लोग को पूरा डिटेल दिखा देगा। यहाँ पर आप लोग को ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट फिर ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं और डालने के बाद आप लोगों को सिंपल सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अब सब पेमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये पेमेंट दिखा रहा है जो मतलब वहाँ पे मई के बाद दिखा रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों जो मई के ऊपर वाला है वो वाला दिखा रहा है, मतलब कि उससे पहले जितना पेमेंट आया है वो दिखा रहा है, और मई के बाद वाला उधर दिखाता है और मई के पहले वाला इधर दिखाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री का पूरा एकदम लिस्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो चले दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद में आया
होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।